नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली खान है और आप देख रहे हैं मल्टीयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फ़ोटो का, अगर आप कोई भी बैनर बनाने वाले हो या कुछ भी बना रहे हो, तो उसका हम साइज कैसे देते हैं। यानी कि जैसे कि हम विड्थ देते हैं 200 पिक्सल और हाइट देते हैं 300 पिक्सल, तो उस पिक्सल को हम कैसे, मतलब अगर कोई फ़ोटो बनाते हैं हम जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में, तो उसका हम हाइट और विड्थ कैसे देते हैं, ठीक है, और कौन सा एप्लीकेशन यूज करके हमें बैनर बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे मैं अपने कंप्यूटर पे बताएंगे, ठीक है। तो ये मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जैसे मैं पावर पॉइंट खोलता हूँ, ये पावर पॉइंट बहुत ही यूज़फुल टूल है, ठीक है, तो इसे सबको यूज़ करना चाहिए सभी चीज़ों के लिए। अब जैसे ये है हमारा, ये साइज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, इस पेज का साइज़ है, ये ऊपर में विड्थ है और इसकी जो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है ये हाइट है, ठीक है। अगर हम सीधा सिर्फ इस पेज को सेव एज करते हैं, मैं इसे करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेम्प वर्किंग में, ठीक है। यहाँ पे पावर पॉइंट के फाइल में ही सेव करना है आपको, आपको जेपीजी या पीएनजी में करना है, तो मैं इसे पीएनजी में करता हूँ और इसका पिक्चर वन करता हूँ, नाम इसका रखता हूँ पिक्चर वन या पिक वन करते हैं, पिक वन। अब ये कह रहा है कि सभी स्लाइड को करना है या एक स्लाइड को, तो मुझे सिर्फ एक पेज का करना है, तो जस्ट दिस वन। अब मैं इस फोल्डर में आता हूँ टेम्प वर्किंग में, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पिक्चर आ गया है, ठीक है, जो कि ब्लैंक है बिल्कुल। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके खोलूं तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें इसकी जो है ना हाइट और विड्थ क्या आई है वो हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स में जाता हूँ, तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं 1280x720 पिक्सल, यानी कि इसका जो विड्थ है वो है 1280 और इसकी जो हाइट है वो 720 है, ठीक है। तो इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम इस साइज़ को जो है ना, विड्थ और हाइट जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा ब्लैंक सा कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ और मैं एक बैनर बनाता हूँ छोटा सा। सपोज़ मैं इसे देता हूँ ये कलर, ठीक है जी, और मैं इसमें लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसके ऊपर वाइट कलर का जो कलर होगा वो काफ़ी सही लगेगा, ठीक है। मैं इसे करता हूँ बड़ा थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं इसमें गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ रहा है और ये मैं इसे जेपीजी में बनाता हूँ, पीएनजी फॉर्मेट में सेव एज, और इसे मैं करता हूँ टेम्प वर्किंग में और ये करता हूँ पीएनजी। तो इसे करते हैं पिक टू, जस्ट दिस वन। अब यहाँ पे इस फोल्डर में आके हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों हमारा पिक्चर बन गया है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं डायमेंशन दिख रहा है 1280x720, इसमें भी वही है डायमेंशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, इसे मैंने एक पिक्चर बना दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें 1280 और ये तो डिफ़ॉल्ट आता है, अब मैं इसकी साइज़ चेंज करता हूँ। साइज़ चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डिज़ाइन में आना पड़ेगा, डिज़ाइन में आके यहाँ पे स्लाइड साइज़, यहाँ पे कस्टम साइज़ पे आप कर सकते हैं। अब आपको जितना पिक्सल चाहिए होगा आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूँ 300 बाई 300 300, यहाँ पर इंच में लेता है, अगर आपको पिक्सल में चाहिए तो PX लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 पिक्सल बराबर 3.125 इंच होता है, तो यहाँ पे भी मैं 300 पिक्सल करता हूँ यानी PX, और इसे मैं करता हूँ ओके। और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंश्योर फिट और मैक्सिमाइज, तो आपको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने से क्या होगा कि जो मतलब जो भी वो रखता है अपना मार्जिन वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं रखेगा और बिल्कुल फिक्स करेगा इसे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट जो है बड़ा हो गया और ये जो साइज़ है ये 300 बाई 300 है, यानी कि 300 पिक्सल लंबाई और 300 पिक्सल चौड़ाई, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ सेव एज,
PNG फॉर्मेट में, ऐसे करते हैं पिक टू, पिक थ्री सॉरी। सिर्फ इस स्लाइड को करना है। अब इस फोल्डर में आके हम इसका स्लाइड वो चेक करते हैं, पिक थ्री में आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं 300 × 300, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना यूज़फुल है, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि हम किसी भी पिक्चर का किसी भी पिक्चर का हम साइज़ कैसे देते हैं, ठीक है। तो इससे आप बहुत यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कहीं कहीं तो बहुत जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे फेसबुक का पोस्ट अगर आपको करना हो तो फेसबुक का पोस्ट का क्या साइज़ होता है वो आप सर्च कर लें और वो उस साइज़ में इसे बना लें आप, और इसमें आप जो भी लिखना हो आपको आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो अब प्रोफेशनल होते हैं जो सोशल मीडिया जो भी मैनेज करते हैं वो इन्हें अच्छी तरह से आता है, वो फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आप इसे सिंपल पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।